अस्सलामुअलैकुम, आई एम डॉक्टर तैयबा, वेलकम मेरे चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि सर्दियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है, हर तरफ धुंध ही धुंध है और सर्दी की वजह से जो मेन प्रॉब्लम हो रही है वो ये है कि गले में खराश होती है, खांसी शुरू हो जाती है, सर्दी गर्मी की वजह से बुखार जो है वो आम हो रहा है और साथ जॉइंट्स पेन हो रही हैं, सारी बॉडी में दर्द हो रहा है। तो इसका जो सबसे जो ईजी हल यही है, मैं आपको ऐसी 3 होम्योपैथी की मेडिसिन बताऊंगी जिनके यूज़ करने से आपकी तमाम जो ये प्रॉब्लम है इंशाल्लाह ताला सॉल्व हो जाएंगी। सबसे पहले ये है कि अगर आप ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन या डायबिटिक के पेशेंट हैं तो साथ साथ उसकी मेडिकेशन लें, और साथ ये है कि अगर आप आउटगोइंग काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं और चिल होने की वजह से, सर्दी की वजह से आपकी सिम्टम्स में एग्रेवेशन होती है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो मेडिसिन है वो है हीपरसल्फ। और इसके साथ सेकंड ये है कि अगर आप फर्ज करें गर्म कमरे में हैं, आपके कमरे में हीटर लगा हुआ है और जब आपको वहाँ पे रिलीफ होता है, जब आप सर्दी में जाते हैं तब आपको जॉइंट्स पेन होती है या इसके साथ साथ आपको फीवर हो जाता है, तो उसके लिए है हिस्टार्स। और नंबर 3 है कि अगर रात के टाइम आपको खांसी स्टार्ट हो जाती है, जो ही आप लेटते हैं खांसी होती है, गले में खराश होती है, खांसी के साथ उठ के बैठना पड़ता है, उसके लिए है स्पूंजिया। अब आपने इसको यूज़ कैसे करना है, अगर आपने अलामत आ रही हैं यानी कि गला खराश है, इन्फंक्शन है, नज़ला ज़ुकाम है, स्नीजिंग होती है, आंखों से पानी आता है, जितनी भी अलामत हैं, ठीक है, तो इसमें यही है कि आपने सुबह नाश्ते की बात लेनी है अरिस्टाक्स ले लें, और जो सेकंड टाइम है हीपरसल्फ ले लें, रात को स्पूंजिया ले लें, ठीक है। आपने रेस्टास, हीपरसल्फ, स्पूंजिया, आपने 30 पोटेंसी की ये मेडिसिन लेनी है, 3 मेडिसिन लेने, आप इनको सुबह दोपहर शाम यूज़ करें, ठीक है। अगर बड़े हैं तो आप इसके 2 से 3 ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं, अगर बच्चा है तो आप इसको 1 ड्रॉप भी दे सकते हैं। उसके साथ साथ आपने अपनी केयर भी करनी है, कैसे केयर करनी है, अगर आप सुबह ऑफिस के लिए जाते हैं या आउटगोइंग आपका काम है तो आप कोशिश करें कि आप ना आंखों पे ग्लासेस का इस्तेमाल करें, धुंध से अपनी आंखों को बचाएं, इसके अलावा मास्क का इस्तेमाल करें, और साथ साथ अपनी जो डाइट है वो बैलेंस डाइट को रखें, और अगर आप चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं तो वो कम से कम करें, क्योंकि आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा चाय कॉफ़ी का जो इस्तेमाल है वो आपको डिहाइड्रेट करेगा, आपके अंदर से पानी की कमी हो जाएगी। अगर हम 1 कप चाय का लेते हैं तो वो 2 गिलास पानी को ज़ाया करता है, तो इतनी हम डिहाइड्रेशन होती है। तो सर्दियों में कुछ लोग जो होती हैं वो पानी का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए आपकी जो स्किन होती है पानी डिहाइड्रेशन की वजह से बॉडी इचिंग हो सकती है, स्किन पे रिंकल आ सकते हैं और स्किन पे झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, फाइन लाइन आ जाएंगी। तो बेस्ट यही है कि आप पानी का इस्तेमाल करें। अगर आप सर्दियों के मौसम में पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप इसको फ्रूट, जो फ्रेश फ्रूट होती हैं उनके जूसेस का इस्तेमाल करें या लिक्विड कोई और तौर पर पानी का इस्तेमाल करें। और साथ साथ ये है कि विटामिन सी का इस्तेमाल करें, विटामिन सी का जो बेस्ट सोर्स है वो जो कीनू वगैरह है, ऐसी डाइटने और गाजर हैं उनका इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा, आप विटामिन सी का इस्तेमाल करेंगे आपकी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट होगी और हर किस्म की वायरल और बैक्टीरियल फंक्शन से आप महफूज रहेंगे। साथ साथ ये है कि आप जो है अपनी डाइट को बैलेंस करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, अपने आप को, अपने बच्चों को, बुजुर्गों को फुल सर्दी से बचाएं, और साथ ये है कि आप मेडिसिन का इस्तेमाल करें। और अगर आप जो है 6 माह के बाद अगर आपको कोई भी बीमारी नहीं है, फिर भी आपका बेसिक ड्यूटी है कि 6 माह के बाद आप फुल बॉडी एग्जामिनेशन करवाएं, ठीक है। और साथ साथ ये है कि आप अपने कंसल्टेंट से ज़रूर रابطہ करें। अगर आपको मेडिसिन की समझ नहीं आती, कोई भी मेडिसिन आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ ना करें, एलोपैथी की हो, होम्योपैथी की हो, हर्बल हो, हमेशा डॉक्टर की कंसल्टेशन लेके मेडिसिन का इस्तेमाल करें। और कोई भी मेडिसिन अगर आपको ये अलामत ख़त्म हो जाती हैं तो आप मेडिसिन फौरी तौर पर बंद कर दें। नो टाइम आपने कोई भी मेडिसिन को यूज़ नहीं करना, बस आप अपना पूरी तरह ध्यान रखें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ये भी सदका जारिया है। सर्दियों में अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।